हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुंदरम कुमार, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज के सेशन का ये दूसरा क्लास आप लोगों के लिए है। आज के क्लास में भी हम लोग लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ेंगे और ये क्लास ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स है ही, साथ साथ ये क्लास BPSC TRE 4.0 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों क्लास यानी ये तीनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको बेसिक लिटरेचर मजबूत हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोग को ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों में से कोई सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, इंग्लिश डाउन द एजेस, यानी इंग्लिश युगों तक। डाउन द एजेस एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है युगों तक, यानी अंग्रेजी युगों तक क्यों चल रही है, इसका एक कारण है और इतना फेमस क्यों हुआ है, इन सभी बातों को मैं इस चैप्टर पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका कुछ मेन पॉइंट है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट। मैं इंग्लिश डाउन द एजेस का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिसे पूरा चैप्टर को समराइज कर देंगे मेन पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट है यूसेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यूसेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज वर्ल्ड। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं आधुनिक और वैश्विक संसार में ज़्यादा हो रहा है। आधुनिक युग में वैश्विक संसार में सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो है इंग्लिश, याद रखिएगा। लेकिन एक आपको फैक्ट बताते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वक्ता के हिसाब से जब गणना करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंड्रीन चाइनीज, जो चाइना की एक भाषा है मैंड्रीन चाइनीज, इसके पास सबसे ज़्यादा स्पीकर है। स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बोलने वाली भाषा है वो मैंड्रीन चाइनीज है, जिसकी संख्या अगर हम करें तो 87 करोड़ 30 लाख के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है भाषा मैंड्रीन चाइनीज लोगों के द्वारा, फिर भी वैश्विक भाषा नहीं है। क्यों नहीं है वो थोड़ा बाद एक्सप्लेन करेंगे। और वहीं पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पूरी दुनिया में जो बोली जाती है स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा, वो है आपका 30 करोड़ 90 लाख, मात्र इतना ही पीपल। अगर इससे अगर कंपेरिजन करें तो 1/3 इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया में, फिर भी ये क्या है, ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज बन चुका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। इसका कारण अगर वहीं पर अपनी भाषा सबसे प्यारी भाषा हिंदी की बात करें तो पूरी संसार में जो इसका वक्ता है वो इतना है कि ये पूरे संसार में तीसरी बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। आपको ध्यान में रखिएगा, तीसरी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है पूरे संसार में, यानी पहले स्थान पे वक्ता के दृष्टि से मैंड्रीन चाइनीज है। वक्ता के दृष्टि से कोई पूछेगा तो मैंड्रीन चाइनीज बताइएगा, दूसरे स्थान पर इंग्लिश है और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा और बहुत ही खूबसूरत भाषा हिंदी है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि चाइना में बहुत लोग बोलते हैं मैंड्रीन चाइनीज भाषा, फिर ये वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों नहीं बना, इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बना और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों नहीं बना, मॉडर्न लैंग्वेज क्यों नहीं बना पूरे संसार का। इसका एक कारण है मैंड्रीन चाइना एक ही देश तक में सीमित है, यानी कुछ ही यानी चाइनीज में ही बोला जाता है, चाइना में ही बोला जाता है, ठीक है। हिंदी तीसरी भाषा है, सिर्फ हिंदुस्तान में बोला जाता है, लेकिन वहीं इंग्लिश की बात करें इसकी वक्ता तो कम है लेकिन ये पूरी दुनिया में बोला जाता है। तो पूरी दुनिया में जो वर्चस्व भाषा क्या है वो इंग्लिश का है, लेकिन कोई पार्टिकुलर देश में बोले हिंदी का वर्चस्व हिंदुस्तान में है, मैंड्रीन चाइनीज का वर्चस्व सिर्फ चाइना में है और इंग्लिश का वर्चस्व पूरा दुनिया में फैला हुआ है इंग्लिश, ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं पूरी दुनिया में है इनकी वक्ता, इसलिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि इंग्लिश सेकेंड वक्ता की दृष्टि से होने के बाद भी ग्लोबलाइज लैंग्वेज क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंग्लिश के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करें इसके इतिहास के बारे में, तो इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर ओल्ड। अगर अंग्रेजी के बात करें तो अंग्रेजी मात्र 1500 साल पुरानी है। अंग्रेजी कितने साल पुरानी है डियर फ्रेंड्स, मात्र 1500 साल पुरानी है।
और इससे बहुत पुरानी आपको जो भाषाएं हैं मैं कल के क्लास में दिया हूँ। जो स्टूडेंट कल का क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले कल का क्लास देखें तब आज का क्लास देखें तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इतना मज़ा आएगा इंग्लिश आपको बहुत छोटा लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश मात्र 1500 साल पुरानी है और उसमें भी एक रहस्य की बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश जो इंग्लिश आज हम बोल रहे हैं, हम लोग जिस इंग्लिश को पहचानते हैं इज ओनली 5 सेंचुरी ओल्ड, वो मात्र 500 शताब्दी यानी 5 शताब्दी पीछे का, ठीक है ना। 5 सेंचुरी ओल्ड है, मात्र 500 साल पहले की है। बस इतना समझ लीजिए, इंग्लिश मान लीजिए 500 साल में इतना क्या चीज़ हुआ कि पूरा दुनिया में फेमस हो गया, ठीक है। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश हैज वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर्स। अगर इंग्लिश की बात करें, फेमस होने का एक कारण है इसके पास संसार की सबसे अच्छी साहित्य है। इंग्लिश के पास अंग्रेजी भाषा में अच्छी अच्छी साहित्य लिखी गई है, वैसे हमारे संस्कृत में भी अच्छी अच्छी साहित्य है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाया है। सिर्फ इंडिया में भी पॉपुलर है तो लोग इंडिया में ही नहीं पढ़ना चाहते तो पूरा विश्व में कैसे पढ़ेंगे, जबकि इंग्लिश से कई गुनी अच्छी साहित्य हमारी संस्कृत में है, ठीक है ना। जैसे रामायण देख लो, महाभारत देख लो, विश्व की सबसे बड़ा एपिक महाभारत है, ठीक है ना। फिर भी इंडिया के लोग बहुत महाभारत के बारे में भी नहीं जानते होंगे, तो अपने लिटरेचर को प्रोड्यूस करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इंग्लिश क्या किया, वो साहित्य जो दिया पूरा संसार में फैलाया, जिसके कारण इंग्लिश के पास वर्ल्ड क्लास साहित्य हुआ सभी जेनर्स में। तो इसीलिए ये पॉपुलर हुआ, पॉपुलर होने के कारण जिसमें कुछ राइटर हुए जो काफ़ी फेमस हुए, शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर, दूसरा है वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ, और तीसरा है मिल्टन जॉन मिल्टन। ये तीन राइटर ऐसे उस युग में निकले, मॉडर्न युग में, कि साहित्य को ही हिला दिए, इतने बेहतरीन साहित्य लिखे। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो जानते ही हैं, ये ड्रामेटिस्ट है, महान ड्रामेटिस्ट है, चार पोइट भी लिखे हैं। उसी तरह वर्ड्सवर्थ महान पोइट है और जॉन मिल्टन भी एक महान राइटर है। कहते हैं एंड अदर ऑथर्स, और बहुत सारे ऑथर हैं जो फेमस फॉर देयर आइडिया, जो अपने विचार से काफ़ी प्रसिद्ध हुई, और लिटरेरी जीनियस, ये सब लिटरेरी जीनियस थे, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो इंग्लिश में लिखे। अगर यही इंग्लिश का फेमस होने के कारण ये लोग भी हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी अच्छी बुक लिखे कि लोग इंग्लिश के तरफ रुझान लेने लगे, इंग्लिश को पढ़ने लगे, और इंग्लिश धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। अब देखिए इंग्लिश का जो फेमस डायलेक्ट है, जो इंग्लिश का फेमस बोली है, डायलेक्ट मीन्स होता है डियर फ्रेंड्स बोली, इंग्लिश का जो फेमस बोली है दो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ये आपको की पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं। इंग्लिश का जो डायलेक्ट बोली है द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, इसको एकदम याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में पूछ सकता है। ये काफ़ी बोली प्रचलित हुई, इंग्लिश की और बोली भी है लेकिन ये बोली ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है ना। और बोली के बारे में ज़्यादा अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आई होप आपको अभी जितना मैंने पॉइंट समझाया आप समझ हो गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश पीरियड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ओल्ड इंग्लिश, जिसकी अगर समय की चर्चा करें तो 449 से लेकर 1066 यानी 449 टू 1066 है। ईडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईसा बाद यानी 449 ईसा बाद से 1066 ईसा बाद, ये समझ सकते हैं। अगर वही मिडिल इंग्लिश का पीरियड को समझें तो ये 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो अवधि रहा वो मिडिल इंग्लिश पीरियड को माना जाता है। वही मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश जो है बाबू 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक जो ईस्वी चल रहा है, ऑनवर्ड मतलब आगे यानी अभी तक, वो सभी मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए हम ये तीनों के बारे में, चाहे ओल्ड इंग्लिश हो, मिडिल इंग्लिश हो या मॉडर्न इंग्लिश हो, थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में चर्चा करना है इंग्लिश डाउन द एज में, ठीक है ना। लेकिन ये अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में ये पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में ये पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर है जिसमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में बहुत चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इनके बारे में थोड़ा इस चैप्टर में जानना है तो हम जान लेते हैं। तो देखिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम जानेंगे तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 449 से लेकर कितना है 1066 है। तो ओल्ड इंग्लिश में हुआ क्या वो थोड़ा समझते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय कॉमन मास इन
ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी अंग्रेजी जो है वो सामान्य आदमी के द्वारा बोला जाता था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश का कोई महत्व ही नहीं था, ठीक है ना। और जैसे हम लोग गांव घर में ठेठी बोलते हैं ना, अपने देहाती भाषा बोलते हैं ना, अपने विलेज की भाषा बोलते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश क्या था, वहाँ का लोकल लैंग्वेज था। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज और कुछ नहीं था, लोकल कॉमन आदमी सब इंग्लिश बोलते थे। तो उस समय जो महान भाषा था वो लैटिन था। आगे हम चलेंगे, उस समय जो फेमस भाषा था, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा लैटिन था, लेकिन इंग्लिश का कोई महत्व था ही नहीं, ठीक है। और इसमें क्या था, तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। और ना ही देखिए, ओल्ड इंग्लिश जो अवधि है उसकी मुख्य विशेषता था भाव चित्रात्मक। इन्फ्लेक्शन में से याद रखना, भाव चित्रात्मक, यानी उस समय इंग्लिश का लिपि भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक क्या, उस समय जो भाषा अंग्रेजी लिखी जाती थी, चित्र बनाकर भाषा लिखी जाती थी। जैसे हम लोग आदि मानव काल में बहुत सारी गुफा है, वहाँ चित्र बना के लिखा जाता था, लिपि, ब्राह्मी लिपि कुछ लिपि है जिसमें चित्र के माध्यम से लिखा जाता है। अभी भी भाव चित्रात्मक लिपि उस समय था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, तो उसको कोई पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है ना। वो सिर्फ बोली जाने वाली एक भाषा था, सामान्य लोग इसको बोलते थे। और कोई पूछेगा तो उस समय उसकी विशेषता क्या थी, इन्फ्लेक्शंस याद रखना, भाव चित्रात्मक याद रखना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्लास ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आपको कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दिस पीरियड इज नोन एज डार्क एज, यानी ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहा जाता है। ये भी आई क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओल्ड इंग्लिश नोन एज और दिस पीरियड, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज डार्क एज। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डार्क एज यानी अंधेरा का युग कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंट, यानी इस समय कुछ तो लिटरेचर हुआ था, बीउल्फ का चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना, कुछ तो लिटरेचर आया था, लेकिन वो लिटरेचर को कोई पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो भाव चित्रात्मक थे। चित्र में लिटरेचर लिखा गया, क्या लिखा, क्या उसमें लिखा हुआ है, तो इस समय पर्याप्त मात्रा में साहित्य ही नहीं था, जिसके कारण इस एज को राइटरों ने अंधेरे का युग कहा, यानी इस युग में इंग्लिश का कोई अस्तित्व ही नहीं था, मिटा हुआ अस्तित्व कह सकते हैं। अब हम लोग ओल्ड इंग्लिश से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मिडिल इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मिडिल इंग्लिश में अब क्या हुआ कि इंग्लिश तो एक भिगमंगा था ही। ओल्ड इंग्लिश में मैं बता चुका हूँ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश था ही नहीं, अस्तित्व विहीन था, कॉमन आदमी कुछ कुछ बोलते थे इंग्लिश, और फेमस तो था ही नहीं। तो इसने क्या किया, मिडिल इंग्लिश में राइटर ने उत्पन्न लिए, और वो राइटर क्या किए, भीख मांगना शुरू किए, बोरोइंग मतलब लेना, और वो क्या किए, इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड को सबसे ज़्यादा शामिल किए मिडिल इंग्लिश में, और उसके बाद लैटिन वर्ड, यानी ये दोनों वर्ड को चुरा के इंग्लिश में रख लेते थे और कहते थे कि इंग्लिश वर्ड है, रहता था फ्रेंच वर्ड, और उसको तोड़ मरोड़ कर क्या करते थे, अपने में समाहित कर लेते थे और कहते थे ये है इंग्लिश वर्ड। लैटिन वर्ड सभी से मांगना शुरू किया, आप तो कुछ वर्ड तो जानते ही हैं ना, भारत से भी, जैसे साड़ी का अंग्रेजी, साड़ी तो भारतीय वर्ड है, साड़ी ही बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे भिंडी को लेडीज फिंगर कहते हैं, भारत में आए देखे भिंडी है, औरत की उंगली की तरह दिख रहा है, उसका नाम लेडीज फिंगर रख दिए। लोटा को लोटा ही बोलते हैं, फादर जो बोलते हैं वो भारत के संस्कृत वर्ड पीतर से आया है, ठीक है ना। तो ये सभी वर्ड मांग मांग के इंग्लिश धनी होना शुरू हुआ, यानी इंग्लिश इज अ भिकमंगा सब्जेक्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रेंच से ब्रोइंग करना वर्ड शुरू कर दिया, लैटिन से ब्रोइंग करना शुरू किया, ठीक है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, मेजर इन्वेंशन, एक बहुत बड़ा घटना घटी, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, ठीक है ना, बाय विलियम कैक्सटन। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार वैसे चाइना में हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड के लोग ज़्यादा नहीं रूबरू थे, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 ईस्वी में स्थापित किया गया, और इसकी स्थापना से लिटरेचर बहुत प्रोड्यूस्ड हुआ, और पूरा दुनिया में इनका जो लिटरेचर था वो प्रिंट हो के फैलना शुरू हो गया। इस तरह कर सकते हैं एक रेनासा, पुनर्जागरण इतिहास में जो हुआ वो 1476 के बाद ही हुआ इंग्लिश के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, इससे आगे हम लोग चलते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं।
डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये याद रखिएगा, ग्रेट वोवेल यानी जितने वोवेल है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के अवधि में ही अपना स्थान ग्रहण कर लिया था, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड में वोवेल अपना स्थान खो चुका था। जो वोवेल आज हम लोग पढ़ रहे थे वो मिडिल इंग्लिश में ही शिफ्ट हो चुका था। ये याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछेगा द ग्रेट वोवेल कब शिफ्ट हुआ था, आप याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड में शिफ्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बोथ स्पोकन एंड रिटेन पर्पस। अब देखो सबसे मेजर, ओल्ड इंग्लिश में आप क्या समझे थे, लिटरेचर तो कुछ लिखा गया था लेकिन वो इन्फ्लेक्शंस भाव चित्रात्मक कारण पढ़ा नहीं जा सका, जिस कारण ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी कहे। लेकिन मिडिल इंग्लिश में क्या हो गया, लिटरेचर को बोलने और लिखने दोनों पर्पस से बोला होने लगा, यानी हम पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, ठीक है ना। तो मिडिल इंग्लिश में ये जो दोनों शुरू हुई तो ओल्ड इंग्लिश का अपेक्षा मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ा बेहतर हुई, ठीक है ना, और बेहतर होते हुए आगे चला गया। वैसे मिडिल इंग्लिश की ज़्यादा चर्चा हम इसके चर्चा चैप्टर में करेंगे। अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश के बारे में करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश का अवधि जो है 1500 से लेके टिल नाउ अभी तक का जो अवधि चल रहा है उसे हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका जो पहला पॉइंट है आपको याद रखना है, मॉडर्न इंग्लिश डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश के दो सब पार्ट हैं, उपभाग कह सकते हैं। पहला भाग को हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना, पहला भाग को हम मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं, जिसका अगर इस भी अगर पूछे तो याद रखना 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच का जो अवधि था वो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बताए थे कि 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक तो मॉडर्न इंग्लिश है, हाँ वो मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का उपभाग यानी एक का ही दो भाग है, तो कह सकते हैं जब एक का ही दो भाग है तो उसका नाम मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन पहले भाग को ग्रामेटेरियन कहते हैं, लिटरेचर और इंग्लिश के साहित्यकारों ने मॉडर्न इंग्लिश ही रखा, ठीक है ना। ये पीरियड उस शताब्दी का जब इंग्लैंड पूरे विश्व में अपना प्रभुता यानी प्रभुता बना रखी थी, सभी को उपनिवेश बना रखा था, उस समय जो इंग्लिश था सिर्फ इंग्लैंड का इंग्लिश ही सभी देश में चलती थी, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सभी जगह। लेकिन जानते हैं 19th सेंचुरी में सभी देश क्या होने लगे, इंग्लैंड से आज़ाद होने लगे, जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ और 20वीं शताब्दी में आके भारत आज़ाद हुआ। तो जैसे जैसे देश इंग्लैंड से आज़ाद होते गए वैसे वैसे वे अपना इंग्लिश प्रोड्यूस किए, जैसे अमेरिका ने अमेरिकन इंग्लिश प्रोड्यूस कर दिया, इंडिया ने इंडियन इंग्लिश प्रोड्यूस कर दिया, कनाडा ने कनेडियन इंग्लिश प्रोड्यूस किया। तो ये जो इंग्लिश ही है लेकिन वो मूल इंग्लिश से थोड़ा अलग हट के जो इंग्लिश प्रोड्यूस हुआ उसी को हम न्यू इंग्लिश कहते हैं। तो आज जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है वो न्यू इंग्लिश के अंतर्गत आता है। मॉडर्न इंग्लिश है लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का एक उपभाग जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है, जो हम लोग आज इंग्लिश सीखते हैं, वो न्यू इंग्लिश के अंतर्गत आता है। तो कोई आपसे पूछेगा बताओ भारत में कैसी इंग्लिश है, तो बोल सकते हो न्यू इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, वो इंग्लैंड का इंग्लिश नहीं है, इंडियन इंग्लिश है। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट मिडिल मॉडर्न इंग्लिश में आपको याद रखना है कि इंग्लिश सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द साइबर एज। अभी देख सकते हो इंटरनेट के युग में जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंग्लिश है। साइबर एज मतलब इंटरनेट युग, इंटरनेट युग जो है, जो साइबर एज अभी चल रहा है उस एज का जो भाषा है इंग्लिश है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैं सभी को एक एक बातों पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आई होप आपको इंग्लिश डाउन द एजेज यानी चैप्टर 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश को जो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। अगर जिनको ये समझ में आ गया है एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज ग्रामर नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा टाइम के अभाव है, ज़्यादा समय यही लिटरेचर पढ़ाने में आप लोगों को लग गया है। तो कल मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 30 क्वेश्चन ग्रामर को मैं करवाऊँगा, और ज़्यादा क्लास लंबा होगा तो भी कोई बात नहीं है, यानी
30 आज का भी क्वेश्चन मैं कल ही करवा दूंगा ग्रामर का, और कल ओल्ड इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग से सिर्फ एक काम है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर मुझे क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिव मिलेगी। और आप क्लास में आ गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग इस क्लास को पसंद करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ओके, बाय, गुड नाइट।